आज हम एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है और सिस्टम प्रोग्राम को कभी कभी सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हम कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। देखो, अगर तुम्हें कोई टास्क परफॉर्म करना है या अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ऐसा करने के लिए यूज किया जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब तुम कहोगे कि बाबा टास्क का मतलब क्या होता है या प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। अगर मैंने तुम्हें बोला कि मेरे पास एक अरे है बट मुझसे ये अरे सॉर्ट नहीं हो रहा है, करके दो, तो ये एक प्रॉब्लम ही है। अगर मैंने तुम्हें बोला चेक वेदर द गिवन नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर और नॉट, तो ये एक प्रॉब्लम ही है। अगर मैंने तुम्हें बोला कि ये चार पांच नंबर्स है, इन चार पांच नंबर्स को मुझे मल्टीप्लाई करने दो, करके दो, तो ये एक टास्क हो गया। तो प्रॉब्लम्स और टास्क का मतलब ये होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजें सुनने के बाद तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि बाबा एप्लीकेशन प्रोग्राम के एग्जाम्पल्स दो, तो सी, जावा, पाइथन, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे के सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के एग्जाम्पल्स है, राइट? एप्लीकेशन प्रोग्राम क्लियर हो गया। अब हम ये समझते हैं कि सिस्टम प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। अब देखो, तुमने एप्लीकेशन प्रोग्राम तो लिख लिया, अब तुम्हें कोई तो ऐसा चाहिए जो इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को कंपाइल, एग्जीक्यूट और रन कर सके, क्योंकि तुम्हारे चाचा तो आने नहीं वाले हैं सारी की सारी चीजें करने के लिए, राइट? तो जो प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम को कंपाइल करता है, एग्जीक्यूट करता है और रन करता है, उस प्रोग्राम को हम कहेंगे सिस्टम प्रोग्राम। अब हम ये समझते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के क्या क्या फीचर्स होते हैं। वैसे तो एप्लीकेशन प्रोग्राम के बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि तुम्हें नोट्स में मिलेंगे, बट ये तीन फीचर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इजी फीचर्स है एप्लीकेशन प्रोग्राम के। अब तुम कहोगे कि क्या बदतमीज आदमी है, हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम के सारे एग्जाम्पल दे दिए बट सिस्टम प्रोग्राम का एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम प्रोग्राम, और सिस्टम प्रोग्राम के जो बाकी के एग्जाम्पल्स हैं, दे आर कंपाइलर, इंटरप्रिटर, असेंबलर, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये सारी की सारी चीजें हम आगे आने वाले लेक्चर्स में समझने वाले हैं, उसका टेंशन मत लो। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि व्हेन इट कम्स टू सिस्टम प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मतलब सिस्टम प्रोग्राम के होते हैं दो प्रकार। सबसे पहला प्रकार होता है स्टैंडर्ड सिस्टम प्रोग्राम और दूसरा प्रकार होता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम। नाउ व्हेन इट कम्स टू स्टैंडर्ड सिस्टम प्रोग्राम इंक्लूड्स असेंबलर, लिंकर, कंपाइलर, लोडर, वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम ये समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड करता है जो हार्डवेयर और यूजर एप्लीकेशन के बीच में इंटरफेस क्रिएट करने के काम में आते हैं। अब इसके दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, फर्स्ट इज विंडोज और सेकेंड इज लिनक्स। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि लेक्चर कैसा लगा। अगले लेक्चर में इन दोनों के बीच में का डिफरेंस हम पढ़ेंगे। ये हमारा प्लेलिस्ट है जहाँ पे वो लेक्चर आपको मिल जाएगा, और उसके साथ इस सब्जेक्ट के बाकी के सारे लेक्चर्स भी इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू, टाटा।